गाजियाबाद कोतवाली पुलिस ने ऑयल एक्साइज पर एक नामी ब्रांड के डमी आईफोन बेचने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 40 डमी आईफोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि ऑयल का कोई धोखाधड़ी से बेचने का केस आया है। क्या मामला है पूरा, कितने लोग पकड़े गए? ये थाना कोतवाली के एक्सप्रेस मार्केट में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसका एक दुकान है वहाँ पे, और वहाँ से 40 डमी मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो कि एप्पल का फ़ोन दिखा के ये बेचा करता था। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये OLX पे अपने फ़ोन्स का प्रचार करता था, और उसके बाद जो डमी फ़ोन्स हैं उनको जो अनसस्पेक्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बेच दिया करता था, और उससे वो मोटी रकम कमाता था। इसके पास से 40 ऐसे फ़ोन बरामद हुए हैं। इससे अभी पूछताछ की जा रही है। इसने बताया कि पूर्व में भी ऐसे काफ़ी फ़ोन इसने बेच रखे हैं, और दिल्ली के गफार मार्केट से ये फ़ोन खरीदना बताया गया है। तो हम इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं सभी स्थापित कर रहे हैं। तो सर, ये अकेला ऐसा काम करता था या इस गैंग में और लोग भी शामिल हैं? जैसा मैंने बताया कि दिल्ली के गफार मार्केट से लाता था, तो इसका कहना है कि वहाँ पे कई दुकानें हैं जो कि ऐसा काम करती हैं, तो उस संबंध में अभी विवेचना चलेगी। तो कैसे पकड़ में आया, किसने शिकायत की थी, किसे ठगा था इसने ऐसा करके? देखिए, ये देश के विभिन्न स्थानों पर अपने फोन को OLX के माध्यम से बेचते थे। इसी क्रम में एक शिकायतकर्ता द्वारा थाना पर बताया गया था कि ऐसी धोखाधड़ी की जा रही है। उसी के क्रम में टीम बनाकर रेड की गई, तो वहाँ से ये 40 फोन बरामद हुए। अब तक सर कितने मोबाइल बेच चुका है? इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है।